सिंपल भाषा में कहा जाए ना तो पत्रा है, जंतर मंतर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी यात्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हैं राजस्थान में और जंतर मंतर पे चल रहे हैं और वहाँ का सारा व्यू आप लोगों को दिखाएंगे, एक एक कोना आपको दिखाएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए एंजॉय करिए। यहाँ का हर जगह बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ का वातावरण भी अच्छा ही फील हो रहा है। सुबह सुबह पैदल चलते चलते हालत भी ख़राब हो गई है, अभी भोजन तो नहीं किए हैं बट बस चाय नाश्ता हो गया है। और इस समय जो मेरे पीठ पे बैग है ना, इतना भारी लग रहा है, कभी कभी सोचते हैं कि छोटा बैग हो गया और कभी कभी ऐसा लगता है यार बैग ना होता तो और अच्छा था, बट बैग की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक कंधा दोनों दर्द करने लगा, अब इसको रखे तो कहाँ रखे, लेके तो चलना ही पड़ेगा। फिलहाल हम आ गए हैं, देखिए इस साइड, यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा जंतर मंतर और टिकट शायद यहाँ से मिलेगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए टिकट लेते हैं। फिर टिकट लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ी। जंतर मंतर का टिकट मिल गया है, 52 रुपये है इसका। अब चलते हैं सीधे अंदर, एंट्री करेंगे। बहुत तगड़ी धूप लग रही थी इसलिए चश्मा लेना बहुत ज़रूरी था, तो अभी हम ले लिए हैं। कैसा लग रहा है बताइए। चलिए अब चलते हैं सीधे अंदर, एंट्री करें पहले। और इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, धूप बहुत तगड़ी वाली धूप हो गई है यहाँ पे। और दोस्तों टिकट लेकर के एंट्री कर गए हैं और टिकट हमारा चेक भी हो गया। आ गए हैं जंतर मंतर, तो यहाँ पे क्या है सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ बहुत अद्भुत और बहुत पहले की चीज़ें बनी हुई है जो कि सब कुछ आप लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर पहले घड़ी का यूज कैसे किया जाता था, टाइम लोग कैसे पता लगाते थे, वो भी देखने वाले हैं, वो भी जानने वाले हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसको यूज करते थे एस्ट्रोलॉजर और इससे ग्रह नक्षत्र के बारे में जो जानकारी होती थी ऐसे करके पता लगाते थे, शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। और इसी के नाम पर इसका पड़ा हुआ है, ये है जंतर और मंतर। तो डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में ये सब जानने के लिए एक समझ सकते हैं कि एक घड़ी का काम करता था, इसकी जो शैडो बनती थी उससे सब कुछ पहले के लोग जानते थे। और यहाँ पे एक सुराख बना हुआ है सामने, ये ऐसा सुराख बना हुआ है इससे देखने सिर्फ वही दिखाई देता सामने। ये देखिए कैमरे से नहीं दिख रहा सही से, बट ये है कि इस छेद से देखते थे सारा। अब गाइड कोई लिए होते तो डिटेल में बताते, बट थोड़ी बहुत हमको जो जानकारी वो आपको बता रहे हैं। और इतना भी टाइम नहीं है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करके यहाँ से हमको निकलना होगा। पीछे जितना भी कुछ ये सब बना हुआ है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं राशिफल, जिस हिसाब से इसका राशि रहता था उसी हिसाब से पहले के समय में सब जानकारी लेते थे। और सिंपल भाषा में कहा जाए ना ये पत्रा है, जैसे हम लोगों के यहाँ पंडित बाबा जो पत्रा देखते हैं उसमें देख करके सब कुछ बताते हैं, नक्षत्र ग्रह राशि फल जितना भी चीज़ बताते हैं ना, तो ये इतना बड़ा ये सारा ऐसे पत्रा बना हुआ है और यहाँ से सारी जानकारी ले लेते थे पहले के लोग, इसका शैडो कैसे पड़ रहा है कैसे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए राशिफल लिखा हुआ है, ये सिंह राशिफल है, ये रहा मकर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया गया है, इसका शैडो देखते थे, इसमें कुछ अंक ऐसे लिखा गया है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो इन सब से बस आंकड़ा लगाते थे लोग, देखते थे समझते थे आपस में। ये वाला पूरा एरिया है राशिफल, अल्लाह जितना भी राशिफल होता सबका लिखा गया है यहाँ पे। और जितना अलग अलग ऐसे करके बना हुआ ना, ये अलग राशिफल, ये अलग राशिफल ऐसे ऐसे करके बनाया गया, सिंह रास वृक्ष कन्या मकर, मकर उस उधर था, तो सारे राशिफल इस पे ऐसे लिखे हुए हैं और इसके शैडो देख करके सब कुछ बताते थे लोग पहले के। इन सब के बारे में बहुत डिटेल जानकारी लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सब कुछ केवल दिखाएंगे और दिखा करके यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ जितना जल्दी हो पाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाया गया है, इसका जो यहाँ पे सामने देखिए शैडो बन रहा है, इसी शैडो का खेल है, सब कुछ इसी से आइडिया लगाते थे लोग और इसी से सब कुछ जानते थे पहले के। कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है देख सकते हैं। अब जैसे पत्रा होता है, पत्रे में देख करके लोग सब कुछ बताते हैं, तो यहाँ पे
इस तरह का जो भी बना हुआ है इसी से सारा ज्ञान मिल जाता था। किसी के राशिफल जानना है, मौसम के बारे में जानना है, ग्रह के बारे में जानना है, नक्षत्र के बारे में जानना, सब कुछ यहाँ से पता चलता था। ये पहले के राजा महाराजा लोग इसको यूज करते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ लोग देखने के लिए आते हैं सारी चीज। और यहाँ पे जो भी गाइड हैं वो इसके बारे में बताते हैं डिटेल में कैसे क्या होता था। अभी चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। आसमान पूरा नीला नीला बहुत ही, और यहाँ की दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं कि दोनों हाथ में आएगा नहीं। मैं करीब से देखता हूँ, दिखाता हूँ, दो लोग शायद मिल करके करेंगे तो भी नहीं आएगी। ये देखिए कितनी मोटी सी, सेंटर में आया हूँ, देखिए इधर देखिए और इस साइड देखिए, इतनी मोटी दीवार है। और ये भी यंत्री है, इससे भी बहुत कुछ जानते थे, देखते थे। समझिए कि पहले के लोग ना आँख से देख करके ही सब कुछ क्लियर बताते हैं, अब तो पढ़ करके देख करके पत्रे में बताते हैं, और पहले यहाँ पे शैडो को देख करके। अब तो शायद इसको देखने और समझने के लिए कोई होगा ही नहीं कि इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। इसकी दीवार देखिए, एक अनुमान लगाइए कितनी मोटी दीवार, और पूरा भरतू है। ये देखिए दीवार है, एक गली नहीं है ये, इतनी मोटी सी दीवार है, पूरा मोटा सा। देखिए ये देखिए, इसको ऐसे बनाया गया, इतना मोटा दीवार। इसके अंदर क्या है, ये कुछ ना उतनी मोटी नहीं है जो मुझे मोटी लग रही थी, अभी उसके अंदर आ गए, समझिए दीवार के अंदर आ गए। तो मोटा तो है बट जो अभी हम समझ रहे थे उतनी मोटी नहीं, इतनी मोटी है। दोस्तों अभी यहाँ भी घूम लिए, यहाँ से चलते हैं, पूरा दौड़ दौड़ करके पूरा एरिया कवर कर लिया, देखते हैं कुछ छूटा होगा तो उसको भी कवर करते हैं। फिलहाल यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया, नहीं तो मुझे जहाँ जाना है फिर वहाँ के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी यहाँ से निकल लेते हैं, अभी टाइम है मेरे पास, अभी बस स्टेशन घूमना होगा। अब तक चलिए यहाँ का और भी एरिया जो भी आगे बाकी वो भी कवर करते हैं। ये जो मंत्र बनाया गया इस पे चढ़ना मना है, उस चीज लिखा हुआ था। यहाँ पे शूट चल रहा है, किसका शूट चल रहा, गाने का या प्रीवेडिंग वगैरह? तो यहाँ पे सूट चल रहा है, ये सूट है गारमेंट का, जैसे किसी शोरूम वगैरह होगा कपड़े का एड प्रचार ऐसे कुछ हो सकता है। और यहाँ पे सूट करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है स्पेशल, उसके बाद ही लोग सूट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लेंस देख करके अच्छा लगा। काश एरिया नज़दीक होता तो हम लोग भी यहाँ पे आकर के शूटिंग करते। अब ये है मॉडल, चलिए फिलहाल इसको कितना देखेंगे, अब यहाँ से निकलते हैं, थकान हो गया, पसीना पसीना दे दे करके भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इन सब के बारे में बताने समझाने के लिए यहाँ पे गाइड मिल जाते हैं जो कि 100-150 में सारा सब कुछ समझाते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक गाइड है जो इसके बारे में अच्छी तरह से बता रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और भी भाषाओं में यहाँ पे बताने समझाने के लिए मिल जाते हैं। ये भी यहाँ पे अक्सर करके इंग्लिश में बोलने वाले बहुत सारे थे, तो यहाँ पे मंत्र के बारे में लिखा हुआ, इसको पुश करके आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो और गूगल पे सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो हमने कोई भी गाइड नहीं लिया क्योंकि हमको लेट भी हो रहा था और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना था, और इसके बारे में तो हमको सब कुछ समझ में आ गया बट हम आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बने रहिए इसी तरह से देखते रहिए। फिर भी जो भी टाइम था उसको अच्छे से यूज किए, और यहाँ की एक एक चीज़ें दिखाने का भी प्रयास किए। तो अभी बाहर निकल रहे हैं, एक गेट है, मैं यहाँ से
बाहर निकलेंगे, अभी कुछ खाए भी नहीं है, इसलिए चलेंगे कुछ थोड़ा सा भोजन है करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे पर्ची को चेक किया जा रहा है, जो हमारा टिकट था उसको चेक किया जा रहा है। मेरे पास ये रहा टिकट, सर जंतर मंतर। अब यहाँ से बाहर निकल गए, अभी यहाँ से निकलेंगे बस स्टेशन। तो बस स्टेशन से कल हम तो पैदल ही आ गए थे, और अभी यहाँ से जाने के लिए कई ऑटो मिला, हम सोचे कि ऑटो से जल्दी चले जाएंगे। हालांकि वहाँ से 10 रुपये का ही भाड़ा होता है, और है भी, लेकिन अभी क्या 100 रुपये मांग रहे हैं, एक बंदा 150 मांग रहा है, एक बंदा 60 रुपये मांग रहा है। यार छोड़ो यार, हम पैदल ही निकल जाएंगे, कितना दूर है, थोड़ी दूर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना कितना टाइम लगेगा, घूमते टहलते देखते हुए निकल जाएंगे, फिर वहाँ से बैठते हैं। तो हमारा जो मंजिल था, मेन मंजिल जहाँ पहुँचना था, उसके लिए हम बस लेने वाले हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी ना दौड़ते चलते चलते पूरा थकान हो गया है, और एक बैग इतना भारी लगने लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम पूरा कंधा दर्द करने लगा। तो अभी कल जहाँ शाम के समय भोजन किए थे, वहाँ पे चल करके भोजन करेंगे, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी था और साफ सुथरा मिल गया खाना, तो वहीं पे चल करके थोड़ा सा भोजन करेंगे, उसके बाद आगे निकलते हैं। अभी ये वाली जगह जहाँ से हम एंट्री किए हैं, जहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से आप लोगों के लिए काफ़ी यात्रा का वीडियो लेकर के आने वाले हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, हैप्पी यात्रा। अभी आ गए यहाँ पराठा सब्जी खाने, ये छोटी सी दुकान रही, तो जाते समय यहाँ पे हम चाय पिए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, तो जो चाचा जी हैं उधार पिला दिए थे उनको। अब इनकी दुकान ढूंढने के चक्कर में हम 2 किलोमीटर पैदल चले हैं, दुकान ही नहीं मिल रही थी, हम कहें कि पैसा भी वापस करना है, तो अभी इनकी दुकान पे रुके हैं और खाते हैं, और इनको जो चाय का पैसा था वो भी देंगे अभी, और दे करके यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, निकल दिए अगली मंजिल की तरफ। अभी यहाँ बस में बैठे थे, काफ़ी चक्कर आ रहा था, बस में बैठने के बाद उनको दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए, और जहाँ भी हमको पहुँचना था वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा रात हो गया, 11 बज गया, और सुनसान सड़कों पर इस तरह से चल रहे थे।